तो गाइस एक बार ये देखो यार, ये सामने देखो, ये नेचुरल वाटर किस तरह से आ रहा है पहाड़ों से बहता हुआ। कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, देखो कितना सुंदर व्यू है। ओ भाई किस तरह से पलटी हुई है। ओ शिट मैन, क्या नज़ारा है यार, कसम से ऐसा लग रहा है अंधेरा पड़ गया हुआ, रात हो गई है। अभी टाइम देखो क्या हो रहा है, अभी 4:40 हो रहे हैं शाम के, और व्यू ऐसा है जैसे तो रात होने वाली होती है या तो सुबह होने वाली होती है। यार दोस्तों देखो यार कितनी धुंध पड़ी है यहाँ पर, ये देखो सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो पीछे देखना, पीछे देख, वो भाई एकदम से सब ब्लर हो गया यार यहाँ पर। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो सर्विसिंग हो गई है बाइक की कंप्लीट, और बाइक को वॉश करके चकाचक एकदम बाहर लगा दिया शोरूम से। और ये देखो हमारे धर्मिंदर भाई जिनकी ये बाइक है वो बाइक पे बैठे हैं और एकदम टिप टॉप होकर गॉगल लगाकर। तो चलो चलते हैं अब आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से पत्नीटॉप का। फाइनली गाइस अब हम निकल रहे हैं शोरूम से, तो ये निकाल दी हमने बाइक बाहर और अभी हमें थोड़ा सा आगे तक साइड पर रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा। तो गाइस सर्विसिंग के बाद जो बाइक जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। तो यार यहाँ पर ट्रक्स जो है उनकी लाइन लगी हुई है, अभी रोका हुआ है इनको, ये श्रीनगर जाने के लिए यहाँ पे रुकते हैं और जब इनको यहाँ से छोड़ा जाता है फिर ये निकलते हैं श्रीनगर के लिए, जिसकी वजह से मे बी ट्रैफिक जाम भी हो सकता है आगे। आई होप कि ऐसा ना हो। तो यार यहाँ पुलिस वालों का नाका भी लगा हुआ है, तो देखते हैं कहीं रोके ना। चलो हमें तो रोका नहीं, आराम से जाने दिया। ये रोक रहे हैं जो गाड़ियाँ श्रीनगर जा रही है उनको। ये देखो भाई ये हाईवे और बंदे ने हेलमेट लगाई हुई है, किस तरह से जा रहा है। और ये देखो यार ये गर्ल जा रही है और इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहनी हुई है, बिना हेलमेट के ये स्कूटी चला रही हैं। और यहाँ पे तो खड़े भी हैं पुलिस वाले, अब पता नहीं इनको मना करेंगे कहाँ ही मना करेंगे। सामने से देखो, वो देखो स्कूटी पे जा रहे हैं, उन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ है। और वो देखो सामने जो वो तीन लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं, उन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना, वो देखो। और ये देखो गाइस बारिश की ना छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं, होप की बारिश नहीं होनी चाहिए यार, ऐसे बारिश होगी तो फिर हमारा ट्रिप कैसे होगा कंप्लीट। तो देखो ये बताया हुआ यहाँ से चनैनी 21 किलोमीटर और चनैनी के बाद पत्नीटॉप 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर है यहाँ से पत्नीटॉप और 186 किलोमीटर है श्रीनगर। तो देखो यार हो क्या रहा है, सामने धूप भी निकली है और साथ साथ बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। और देखो यहाँ पर जगह जगह जो है अमरनाथ के लंगर लगे हैं। तो यार एक बार व्यू देखो यार सामने का, ये देख रहे हो यार ये कितने खूबसूरत पहाड़ हैं यार। इस तरफ के पहाड़ जो हैं और भी ज़्यादा सुंदर हैं, जैसे जैसे आप श्रीनगर की तरफ जाते जाओगे ना तो आपको और सुंदर सुंदर पहाड़ दिखेंगे। और लोगों के घर देखो यार, बस्ती कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। गाइस आपने ना बड़े बड़े ट्रक्स पे कुछ कुछ लिखा हुआ शायर शेर व शायरी दिखी होगी, तो शेर व शायरी तो आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी ट्रक्स के पीछे लिखी हुई, लेकिन आज मैं आपको कुछ यूनिक दिखाता हूँ। सामने देखो ये ट्रक जा रहा है और उसके पीछे लिखा है चॉकलेट बॉय, और उसके साथ में राइट पे नीचे लिखा है डाइवोर्स्ड क्वीन, मतलब ये एक डाइवोर्स क्वीन है, ये इसका तलाक हो चुका है। तो गाइस एक बार ये देखो यार, ये सामने देखो ये नेचुरल वाटर किस तरह से आ रहा है पहाड़ों से बहता हुआ। कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का, देखो कितना सुंदर व्यू है, वाह यार ऑसम। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया यार, ये देख रहे हो, ओ भाई किस तरह से पलटी हुई है। ओ शिट मैन, ओ शिट। तो यार ये देखो यार गाड़ी जो है किस तरह से गई है यहाँ पर, आई थिंक यहाँ से स्कीड करके ना ज़्यादा स्पीड में होगी तो आगे निकल गई होगी। और यार वहाँ से ना एयर बैग खुल गया और देखो उस पर ना वो पूरा भरा हुआ है ब्लड से यार। तो यार गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई है यार, आगे से देखो पूरी पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है यार, शिट। आई होप यार इसमें जो पैसेंजर्स है वो सेफ होने चाहिए, ये टाटा पंच है तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से पलटी हुई है ये तो वो तो यार बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है इसकी। यार सामने देखो यार आप, ये देख रहे हो क्या हालत है गाड़ी की यार, पूरी तरह से गाड़ी ख़त्म हो गई है यार आगे से, और अच्छा खासा नुकसान हुआ है यार जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, क्योंकि उसी के साइड पर गिरी है। यार इस हाईवे पर ना ध्यान से चलना चाहिए, क्योंकि देखो यार हर गाड़ी जो है यहाँ पर काफ़ी तेज़ चलती है, इवन कि ट्रक्स की स्पीड देखो आप वो भी बहुत तेज़ चलते हैं यहाँ पर, 100 तो वो भी पहुँच ही जाते हैं। तो यार यहाँ पर ध्यान से चलना चाहिए, और गाड़ी वाला मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पीड में होगा, जिसकी वजह से वो स्कीड करके बाहर की तरफ निकल गई और पलट गई। तो यार देख के ही कुछ अजीब सा लगा, पिछले व्लॉग में भी मैंने
एक देखा था तो अब फिर से देखा ये चीज़, तो यार इस हाईवे पे मुझे लगता है ये चीज़ें होती रहती हैं, तो थोड़ा ध्यान से ही चलना चाहिए। यार ये देखो यार, ट्रक्स जो है किस तरह से कितनी तेज़ चल रहे हैं, और इनकी रेस लगी हुई है यार, ये आपस में इन्होंने रेस लगाई हुई है और एकदम से भगा रहे हैं एक दूसरे के पीछे। यार कितनी स्पीड पर टर्न काट रहा है ये, पूरा टर्न ले रहा है और पूरा बेंड हो रहा है ट्रक एक तरफ, पूरा फुल लोडेड है ये। ये देखो रोड की क्या हालत है, और ऊपर देखो जेसीबी चली हुई है, और देखो साइड पे होने को बोल रहे हैं वो, और ये देखो सारा पहाड़ टूट के नीचे आया हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर। गाइस मैं बहुत पहले ना, कई साल पहले आई थिंक 2019 में श्रीनगर गया था, तो ये रोड जो थी ना बहुत ख़राब थी, इतने बड़े बड़े खड्डे थे तब, ये रोड कंस्ट्रक्शन में थी। तो आज देखो यार ये रोड जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, इम्प्रूव क्या बोल सकते हैं, जो ऑलमोस्ट रेडी है, हाईवे बिल्कुल साफ़ सुथरा है और जाने का मज़ा भी आ रहा है। ठीक है, ये दो रास्ते हैं, एक रास्ता चला जाएगा यहाँ से नीचे पत्नी टॉप की तरफ, और दूसरा रास्ता चला जाएगा सीधा श्रीनगर की तरफ शॉर्टकट। तो यार एक बार देखो कितना जाम लगा हुआ है यहाँ पर, कैसे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। तो हम यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने एंटर कर लिया है पत्नी टॉप वाले रोड पे, जो पुराना रोड था, और आप देखो यार यहाँ पर रोड जो है थोड़ा ख़राब भी है, अभी तो फ़िलहाल सही रोड आ गया है, देखते हैं आगे तक भी सही रोड हो तो अच्छा है। तो गाइस बंदा हमारे आगे चल रहा है स्प्लेंडर वाला, और क्या बाइक भगा रहा है यार ये। यार वैसे मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया कि यार सर्विसिंग जो है आज लड़कियों ने की हुई है इस बाइक की, तो यार क्या सर्विस की है यार, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सर्विस की है, हैट्स ऑफ, और बहुत प्राउड फील होता है यार कि गर्ल्स अगर इस चीज़ में आगे आती है ना, तो हम बोलते हैं कि हाँ लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, कुछ आप कुछ करके दिखाओ प्रोफेशनली, वो बात बनती है। तो फिलहाल देखो यार ये बंदा कितना तेज चला रहा है, 80 के करीब करीब तो हम पहुंच रहे हैं, और ये देखो इन टर्न्स पे किस तरह से भगा रहा है बाइक को। तो चलो थोड़ा सा करते हैं इसको पीछे यहाँ से, बंदा जो है दम लगा रहा है पीछे करने का। तो गाइस अब हम लोग यहाँ रुक रहे हैं, बहुत भूख लगी हुई है, तो ये यहाँ पे एक वैष्णो ढाबा है, तो चलो देखते हैं यहाँ क्या मिलता है खाने को। ये है ढाबा और यहाँ पर हम रुकेंगे अभी और खाएंगे खाना, देखो कितने सारे लोग यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो फाइनली गाइस देखो हमारा खाना जो आ गया है, ये है राजमा चावल, इसमें देसी घी डाला हुआ है, ये हम दोनों के लिए, साथ में चटनी है और ये आ गई रोटियाँ। तो चलो जल्दी से खाते इंजॉय करते फिर मिलते हैं। रविंदर कैसा एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है खाना? और यार ये लोकेशन इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया लोकेशन है ना यार, आप एक बार आओ, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठंडी हवा चल रही है ना, आपको भूल जाएगा कि गर्मी भी है। तो यार हम खा रहे हैं अभी रोटी, जो तंदूर की रोटी होती है, साथ में राजमा चावल मैंने आपको दिखाए, तो सैलड है, तो जल्दी से खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। ऐसे प्यारा सा बच्चा हमें यहाँ पे मिल गया, तो ये बोल रहे थे कि हमें यूट्यूब चैनल पे जो आपकी वीडियो है उस पे हमें कवर करो, तो क्या बोलना चाहते हो आप बोलो। अच्छा कहाँ से हो आप? जम्मू से हो आप? जम्मू कहाँ से हो? अच्छा नाना नगर से हो। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया हुआ है, काफ़ी इंजॉय किया, और देखो हमारे दविंद भाई, दविंद भाई क्या खा रहे हो? विमल बोलो जुबान केसरी। तो चलो यार निकलते हैं फटाफट से, बारिश का मौसम तो बना हुआ है। तो यार ये देखो लोगों के प्यारे प्यारे घर यहाँ पर, ये देखो कितना सुंदर है यहाँ पर। तो यार यहाँ पर ना ये कैफबेरी भी है, कैफ़े एंड बेकरी। तो गाइस बाइक में तेल था कम, तो हमने भरवा लिया तेल 500 का, और अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं आगे की तरफ, और मीटर जो है फ्यूल वाला अब ऊपर अप हो गया। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं कुद मार्केट में, ठीक है, इस जगह का नाम है कुद, और देखो यहाँ पर कितनी सारी, कितनी बड़ी मार्केट है, और यहाँ का जो फेमस है ना वो है पतीसा, और मैं दिखाता हूँ आपको वो दुकान जहाँ का पतीसा फेमस है। ये देखो ये है प्रेम स्वीट शॉप, और यही दुकानें जम्मू में हैं, और ये दो भाई हैं, दोनों की दुकानें हैं, दोनों का मटेरियल जो है काफ़ी अच्छा है। खतरनाक खड्डा यार, देखो कितना बड़ा पॉट होल है, ये देख रहे हो, ओ माय गॉड। चलो जी फाइनली यहाँ से निकाल दिया। यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम सर्दियों में ना फिर से एंटर कर चुके हैं यार, यहाँ घर बना लेना चाहिए चुपचाप, है ना, इन लोगों के लिए तो गर्मी है ही नहीं है। गाइस सामने देखो कितने प्यारे प्यारे पेड़ हैं, ये देख रहे हो, और बीचों बीच रोड है ना, क्या बताऊँ, जब तक आप यहाँ पर आकर इस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करोगे खुद, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बिलीव मी अगर आप एक बार यहाँ आओगे ना, तो आप बोलोगे यार काश यहाँ पर हमारा एक घर होता। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, सामने देखो यार, व्यू देखो यार, एक बार देख रहे हो, वाह यार खूबसूरती है यार, ज़बरदस्त खूबसूरती है। हमारा J&K जो है ना, ऐसे नहीं कहा हुआ है कि ये पैराडाइज है ऑन अर्थ, सच में है,
आप लोग घूमने जाते हो शिमला हिमाचल, तो यार मैं आपको बोलता हूँ यार एक बार जे एंड के में आओ और पत्नीटॉप आओ, श्रीनगर जाओ, हमारे जे एंड के बहुत सारे प्लेसेस हैं, उनको एक्सप्लोर करो, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को यहाँ पर। तो यार यहाँ पर रुक के हम फोटो क्लिक करवाने लगे हैं, तो चलो यहाँ रुकते हैं, कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं। जो धुंध पड़ी हुई है ये बादलों के बीच में है, अभी हम पत्नीटॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है, और देखो सामने कैसे बादल उड़ रहे हैं, हम बादलों के बीच में हैं अभी, इतनी ज़्यादा हाइट पे है ये लोकेशन। ओ भाई गाड़ी देखो यार एक बार, पॉश आ रही है यार, ओ माय गॉड, ये देखो यार भुट्टा बन रहा है यहाँ पर, आते रहे हम खाएंगे। क्या नज़ारा है यार कसम से, ऐसा लग रहा है अंधेरा पड़ गया, वो रात हो गई है, अभी टाइम देखो क्या हो रहा है, अभी 4:40 हो रहे हैं शाम के, और व्यू ऐसा है जैसे तो रात होने वाली होती है या तो सुबह होने वाली होती है, कुछ ऐसा व्यू है अभी। और देखो यार कितने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर पेड़ हैं, और बीच में जो रोड है ना क्या ही बताऊँ, वो सर्दी बहुत है यार, बहुत सर्दी है, मुझे लगता है यहाँ का टेम्परेचर दिन में कितना टेम्परेचर होगा आइडिया कोई, 10 डिग्री होगा ना, 10 डिग्री करीब होगा यार यहाँ पर टेम्परेचर, ठंडी है अच्छी खासी यहाँ पर यार। तो चलो यार ये देखो आगे और ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, कुछ नहीं दिख रहा आगे, ये देखो अगर ऊपर देखो ना तो इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी है कि सामने कुछ दिखे ही ना। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं पत्नीटॉप, और ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता ना, और ये देखो सामने बोर्ड बटोत, यहाँ से 12 किलोमीटर है और पत्नीटॉप पे हम पहुंच चुके हैं। तो गाइस हम लोगों ने टर्न कर लिया ऊपर की तरफ, अब 300 मीटर ऊपर जाकर जो है सही जो ब्यूटी है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ से। और देखो यार कितने टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं, कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये देख रहे हो कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर है, कितना जाम लगा हुआ है यार। ओ भाई इतनी खूबसूरत जगह तो सब लोग आएंगे ही ना यार, धुंध इतनी ठंड लग रही है ना यहाँ पे, और इतनी छोटी सी सिंगल रोड है ना, ये देख रहे हो कितने टूरिस्ट आए हैं यहाँ पर। तो देखो यार कितने सारे यहाँ पर कैफेज हैं, होटल्स हैं यहाँ रुकने के लिए, ठीक है अगर आप यहाँ आते हैं तो आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे इस जगह पे। मेरा मन कर रहा है यहाँ रुकने का, लेकिन यार मेरा जो फ्रेंड है धर्मेंद्र उसने घर वापस जाना है तो वो थोड़ा मसला है। तो गाइस ये देखो यार क्या ख़तरनाक सा जाम लगा हुआ है, यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल के करीब लग रहा है, एक साइड पूरी गाड़ियों को पार्क किया हुआ है और दूसरी साइड से जो है गाड़ियाँ डबल लेन बनाकर निकल रही हैं, और ये रोड भी कितना छोटा सा है तो बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ से निकालना। ये देख रहे हो पूरा टेढ़ा हो गया है यहाँ से ये विंगर, यहाँ पे निकालने के लिए ना बंदे को स्किल्स चाहिए, और ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है। ओ भाई क्या धुआं छोड़ा यार इसने गंदा वाला, पहल का जाम जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखो यार कुछ गाड़ियाँ यहाँ से मुड़ रही हैं वापस, टर्न ले रहे हैं क्योंकि यहीं पे लोगों ने उतरना है, बाइक को करते हैं कहीं अच्छी सी जगह पे पार्क, सेफ जगह पे। दिंदु भाई कहाँ करें बाइक पार्क बताओ, यहाँ कर ले। तो फाइनली गाइस बहुत मुश्किल से हम साइड पे यहाँ पहुँचे हैं, तो थोड़ा आगे कर लेते हैं, कोई भरोसा नहीं है लोगों का आज जिस तरह से लोग आ रहे हैं ना। तो ये कर ली हमने बाइक पार्क, और अब दिखाते हैं आपको सुंदर नज़ारे पत्नी टॉप के। तो यार ये हम लोग एंटर कर रहे हैं अभी पत्नी टॉप में, ये पार्क है, पार्क है ना ये। तो देखो कितनी भीड़ है, कितने लोग आए यहाँ, कितने बच्चे सारे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग एंटर कर रहे हैं फिलहाल अंदर इस खूबसूरत से पार्क में, अचानक से प्रोग्राम बना हम लोगों का कल, और आज देखो हम, मैं और धर्मेंद्र जो हैं यहाँ पर आए हैं, और देखो कितने लोगों की भीड़ है यहाँ पर। तो यार दोस्तों देखो यार कितनी धुंध पड़ी है यहाँ पर, ये देखो सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा, धर्मेंद्र पीछे देखना, पीछे देख वो भाई एकदम से सब ब्लर हो गया यार यहाँ पर, देख रहे हो क्या नज़ारे हैं यहाँ के। और देखो यार लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं इस ब्यूटीफुल वेदर को और ब्यूटीफुल प्लेस को, आई होप आपको भी अच्छा लग रहा है। फाइनली गाइस आपने देखा कि हमने कितना एंजॉय किया यहाँ पत्नीटॉप में, और देखो यार सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आए और एंजॉय करें। तो धर्मेंद्र कैसा लगा आज का? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल यार बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, और आप देखो यार सामने ना वहाँ पर बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखो छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पर जो है ये बनाया हुआ है, तो बच्चे छोटी छोटी बोट चला रहे हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो ठीक है गाइस, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, हम दूसरी लोकेशन पर जाएंगे। मेरे फ़ोन की बैटरी जो है लो हो गई है, अदरवाइज़ मैं आपको और भी बहुत सारी लोकेशंस है यहाँ पर घूमने के लिए तो मैं आपको दिखाता, तो फिलहाल मैं वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो मेरा पावर बैंक भी मेरे साथ नहीं है, तो अभी हमें ब्लॉग को एंड करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो के साथ हम आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक ले गुड बाय एंड अ वेरी गुड डे, बैंग बैंग।